अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। तो आज हमने क्या करना है, इस चैप्टर का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग था वो करना है हमने। तो वो देख लेते हैं हमने इसका आंसर, उसको सोल्व हमने कैसे करना है। तो ये जो है ये वाला भी पेपरों में आ जाता होता है 8 मार्क्स का, और ये भी आ जाता होता है। तो इसलिए लिहाजा आपने बहुत ही ध्यान से इन दोनों को करना है और अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो हम क्या करना है, ये क्या कह रहा है इस सवाल में, तो इस सवाल में ये क्या कह रहा है, इसको ये बाइनरी में इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी को हम करके इसके चार चार पेयर बनाने हैं हमने, जिस तरह हमने पहले किया था चैप्टर में कन्वर्जन के दौरान, और उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है हेक्सा में। किस तरीके से करना है, चार चार के पेयर बनाएंगे इस साइड से, चार चार के पेयर बनाएंगे, जो कम होगा उसके साथ हम ज़ीरो लगा देंगे, और फिर चार चार पेयर को टेबल में देखेंगे कि वो हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल है। बिल्कुल वही टेबल है जो हमने इसके लिए यूज़ किया, वो इसके लिए यूज़ करना है। पहले हम हेक्सा बाइनरी वैल्यू देख रहे थे, अब हमने उसकी हेक्सा वैल्यू देखनी है। तो चलिए आइए देखते हैं। आंसर देखने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो है, वो हम लिख लेते हैं, 0 0 1 0 1 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
इसको हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको हमने क्या करना है, इसके चार चार पेयर बना लेने हैं इस तरीके से, इस साइड से शुरू करके। ये चार का पेयर बन गया, ये चार का बन गया, ये चार का बन गया, ये चार का बन गया, और ये तीन बचे हैं। तो तीन बचे हैं तो इसके साथ मैं क्या लगा दूँगी, शुरू में ज़ीरो लगा दूँगी। मैंने आपको पहले भी सवाल करते हुए बताया था, जब कोई कम ज़ीरो हो, कम डिजिट हो, तो इसको चार बनाने के लिए मैंने स्टार्ट में ज़ीरो लगा देना है। तीन मौजूद थे, एक कम था, तो मैंने खुद से लगा दिया। अब मैंने ये देखना है कि ये जो चार चार डिजिट हैं वो हेक्सा वाले टेबल में किसके इक्वल हैं। ठीक है, तो टेबल पर सीधा सीधा आ जाना है। टेबल क्या है हमारे पास, वही टेबल है। इस टेबल को आपने ड्रा कर लेना है रफ वर्क पर, साइड पर लाइन ड्रा करके आपने ड्रा बना लेना है आपने ये टेबल। तो इसको हमने मैच करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 001, 001 किसके इक्वल है, यहाँ पर हमने देखना है इस टेबल में। 001 किसके इक्वल है, 001 हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख देना है, इसकी जगह मैंने लिख देना है 1। ठीक है, तो अगला क्या है, 0110, तो मैंने इस टेबल में देखना है 0110, ये 0110 किसके इक्वल है, 6 के, तो मैंने इसकी जगह लिख देना है 6। 0100 किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल। 0110 ये हमने भी किया था, 0110 6 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1001 9 के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख देना है 9। तो ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुका है, हमारे पास आंसर का आ जाएगा 16469। ये आ गया हमारा आंसर हेक्साडेसिमल में। बस इतना सा इसका काम है, बस मेन काम क्या है, आपका टेबल सही होना चाहिए। टेबल सही होगा तो मैचिंग करके सही लिखेंगे ना, अगर टेबल ही गलत होगा तो मैचिंग ही गलत हो जाएगी, यानी कि आप जवाब ही गलत लिखोगे, आप हर चीज़ गलत लिखोगे अगर टेबल नहीं सही होगा। तो वही चीज़ आपने कैसे मैच करना है, मैं आपको इसका टिप बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ कि सवाल करने के बाद आपने कैसे चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। तो आपने क्या करना है, ये सवाल था आपका, इसके ऊपर ही आपने लिख देना है 1248 1248 1248 1248। रफ वर्क में पहले सवाल लिखना है, फिर ऊपर ये लिखना है आपने, उसके बीच में नहीं आपने स्टार्ट कर देना वेरिफिकेशन करना। ये आप वेरीफाई कर रहे हो सवाल, बस उतना ही है, ये करके आपने इसको इसके इक्वल कर देना है। ये किया था ना आपने, ये वाला कि फोर, ये चार डिजिट लिख के ये
4 ये 4 डिजिट लिख के ये आ गया, C1 इसका आंसर लिख दिया था। तो आपने वैसे ही सवाल करना है कि सवाल लिखे उसके 4-4 पेयर बना दिए, 4-4 पेयर के लिए ऐसे लिख के 4 जो भी पेयर होगा वो लिख के हेक्साडेसिमल इज दिस, 4 ये लिख के हेक्साडेसिमल इज दिस, इसका ये भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, आप प्रॉपर तरीका बता देती हूँ। पहले ये आप शॉर्टकट देख ले, 1-2-4-8 आपने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, 1-2-4-8 सबका लिख लिया। अब आपने चेक करना है जहाँ जहाँ 1 है उसको प्लस करके चेक करना है क्या ये वही डिजिट आया कि नहीं। तो देखें इन दोनों को इग्नोर कर दें, यानी कि 8 और 1 क्या बनेगा 9, तो ये सही हमारा हुआ। हमारे पास ये देखें इसको भी इग्नोर करो इसको भी, तो 8, 4 और 2 कितना होता है 6, तो ये सही हो गया। अब देखें ये सारा इग्नोर है, सिर्फ क्या है 1 के नीचे 4 के नीचे 1 है तो क्या आंसर क्या है 4, तो वो ठीक है। इन दोनों के नीचे 1 है तो 4 और 2 क्या होता है 6 होता है। ठीक है, वो भी 6 है। उसके बाद क्या है सबके नीचे 0 है, 1 के ऊपर ये है मौजूद, तो 1 हमने क्या करना है 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कहीं गलती होगी, मैंने कहा मैंने ये आपका फॉर एग्जांपल गलती से मैंने कहा कि ये 7 के इक्वल है, मैंने अपने जवाब में लिख लिया 17469 इसका आंसर है, तो मैं अब चेक करने आई हूँ। तो चेक मैंने किया इसी तरीके से 1-2-4-8 लिखा, तो मैंने देखा कि ये इन दोनों के ऊपर जो डिजिट है वो मैंने प्लस करने, इन दोनों को मैंने इग्नोर करना है। ठीक है, तो 4 और 2 तो 6 होते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया 7, इसका मतलब है मेरी गलती टेबल में हो चुकी है। तो आपको टेबल दोबारा देख लो या इधर से ही ठीक कर लो, 6 लगा दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये टिप था। सवाल कैसे अटैम्प्ट करना है आपने वो मैं बता देती हूँ, सवाल कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैं बता देती हूँ प्रॉपर तरीके से कैसे अटैम्प्ट करना है। 0010 पहले आपने ना इसका वो लिख लेना है, सवाल लिख लेना है 1100100001, ये आपने सवाल लिख लेना है। ठीक है, ये बाइनरी में इसको आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है 4-4 के पेयर बनाने वैसे ही। ठीक है, ठीक है, इधर 0 लगा देंगे हम अपने से। ठीक है, आपने ये सारे पेयर लिख लेने, यहाँ से स्टार्ट करना है 0001 0110 0110 0101 1001। आपने ये सारे पेयर लिख लेने हैं। ठीक है, पेयर लिखने के बाद क्या करना है आपने यहाँ पर शुरू में लिख देना 4 सबके, लिख देना है द हेक्साडेसिमल वैल्यू, इज ठीक है क्या वैल्यू है 0000001 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, वो टेबल से आपने जो मैच कर करके की है ना अभी रफ वर्क में वैसे ही 0110 क्या था हमारे पास, इसी तरीके से द हेक्साडेसिमल वैल्यू इज, तो ये आ गया था 6। इसी तरीके से ये सारे आपने कर लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब में आपने लिखना है द हेक्साडेसिमल वैल्यू इज, द हेक्साडेसिमल वैल्यू इज, द हेक्साडेसिमल वैल्यू इज, द हेक्साडेसिमल वैल्यू इज, ये था 1, ये 6 था, ये था 4, ये था 6, ये था 9, ये सारी आपने इसी तरीके से सारा, ये आपने नहीं स्लैशेस लगाने, ये मैंने लगाई हैं, आपने पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है। प्रॉपर सेंटेंस लिखने के बाद आपने क्या करना है ये जो आएगा ना आपने इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिख लेना है। ठीक है, कि ये आ गया है हमारे पास हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इधर आपने वो लिख देना, ये सारा सवाल लिख देना यहाँ पर ये वाला, और इक्वल करके आपने ये लिख देना है। तो ये इसको प्रॉपर अटैम्प्ट आपने इस तरीके से करना है, बाकी सारा काम आपने रफ वर्क में करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एक्सरसाइज समेत कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया आपको तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पर पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको मैं उसका आंसर बता दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।